नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने अभी तक की वीडियोस में जो इकोनॉमिक्स के बना रहे थे, अब तक की वीडियोस में लगभग जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अपन आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं आपके लिए, एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, जो सोशल साइंस में आता है, इकोनॉमिक्स तो होगी है, उसके बाद अपन एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो इसमें अपन वन लाइनर क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं होगी, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उनको अपन एक बार जो वन लाइनर क्वेश्चन है उस हिसाब से समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं एक्सटेंशन क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, जो एक्सटेंशन है वो लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है और किससे बना है, एक्स प्लस टेंसियो। जो एक्स का मतलब है वो क्या होता है, आउट, और जो टेंशन मीन स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या हो गया, कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो क्या हो रही है, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मीन्स फैल रही है, फैलना। ठीक है, स्ट्रेचिंग मीन फैलाना। ठीक है, कोई जो नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई जो इंफॉर्मेशन देनी है फार्मर्स को, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। उसको अपन क्या क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं उसको। ठीक है, और एजुकेशन क्या होती है, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें चेंज, अब वो चेंज किस किस में होगा, चेंज इन एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल, वो होगी अपनी एजुकेशन होगी। ठीक है, तो एजुकेशन क्या होती है, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, चेंज इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, वो होगी एजुकेशन। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, कोई भी काम है वो अपन कैसे सीख रहे हैं, कुछ करके सीख रहे हैं। ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल हो गया, किसका, एक्सटेंशन एजुकेशन का। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जो एक्सटेंशन है वो लेटिन वर्ड है, एक्स प्लस टेंशियो, आउट स्ट्रेचिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स तक अपन कैसे पहुंचाते हैं, वो किस में आती है, एक्सटेंशन में आती है। ठीक है, जो एक्सटेंशन वर्ड है उसका जो ओरिजिन है वो अपन कहाँ से मानते हैं, इंग्लैंड से हुआ था 1866 में एक्सटेंशन वर्ड का ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अब अपन फादर की बात कर लेते हैं, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन वो कौन है, जेम्स स्टीवर्ट। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, जेपी लिगेंस। और जो फादर ऑफ अमेरिकन एक्सटेंशन एजुकेशन है वो है सीमेन ए नेप। ठीक है, जो सीमेन ए नेप और जेपी लिगेंस दोनों ही फादर एक्सटेंशन एजुकेशन के, लेकिन जो सीमेन ए नेप है वो क्या है, अमेरिकन एक्सटेंशन एजुकेशन का है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन तो अपने को जेपी लिगेंस ही राइट करना है। पहली बात तो वो दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं, अगर दे भी दिया तो फिर वो अमेरिकन का बोलेगा। ठीक है, तो अमेरिकन का बोलेगा तो अपने को सीमेन ए नेप करना है, अगर वो अमेरिकन वर्ड नहीं देता है तो अपने को जेपी लिगेंस ही राइट क्लिक करना है। ठीक है, और जो एक्सटेंशन है उसका जो फादर है इंडिया में कौन है, वो है के एन सिंह, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, के एन सिंह। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, नॉन फॉर्मल है, बाकी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो, एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो अपनी एक्सटेंशन एजुकेशन है वो किसमें आएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। जो फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो अपन जो स्कूल और जो कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं, जो टीचर जो पढ़ाते हैं और स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन, वो किसमें आएगी, फॉर्मल एजुकेशन में। ठीक है, जो उसमें ग्रेडेड होती है, उसमें जो परसेंट बनती है, मार्कशीट मिलती है, वो सब किसमें आएगी, फॉर्मल एजुकेशन में। इनफॉर्मल एजुकेशन में ये जो ग्रेडिंग या जो परसेंटेज वाला ये सिस्टम नहीं रहता है, इसमें जो लोग है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो लोग है तो किसी भी जैसे नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, वहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन आती है, ये क्या है आउट ऑफ स्कूल सिस्टम, ये स्कूल सिस्टम से बाहर का एजुकेशन है, जैसे फील्ड पर एजुकेशन है फार्मर्स के, वो किस में आएगी, एक्सटेंशन एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड है जो किससे बना है, कम्युनिस्ट से, कम्युनिस्ट से बना है, और जिसका जो मेन है वो क्या है, कॉमन। ठीक है, वैसे कम्युनिकेशन होता है क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है वो कोई, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी कोई टेक्नोलॉजी निकाल रही है नहीं, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो यूनिवर्सिटी है वो कोई टेक्नोलॉजी आई है उसको फार्मर्स तक कैसे क्या करती है, किसी चैनल से भेजती है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ए टेक्नोलॉजी फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ए मैसेज फ्रॉम कम्युनिकेटर टू रिसीवर। ठीक है, तो अपने यहाँ जो रिसीवर है वो कौन है, फार्मर्स है। ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन जो में जो बेसिक एलिमेंट है वो कौन कौन से है, सोर्स होगा, मैसेज होगा, चैनल होगा और रिसीवर होगा। सोर्स क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, टेक्नोलॉजी है नहीं, वो कौन दे रहा है, ठीक है, वो सोर्स हो गया। मैसेज है जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, मैसेज में आएगी, और चैनल किस माध्यम से अपन वो मैसेज फार्मर्स तक पहुंचा रहे हैं वो हो गया चैनल, और रिसीवर, रिसीवर कौन हो गया, फार्मर्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट, इसके बाद जो कम्युनिकेशन मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल में जो फर्स्ट मॉडल दिया था वो अरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, अरिस्टोटल ने फर्स्ट मॉडल दिया था ये। ठीक है, तो उसमें उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, वो लिया स्पीकर लिया है, स्पीच और ऑडियंस, इसमें अपन तीन ही एलिमेंट लिए हैं अरिस्टोटल ने। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी चीज है, एक तो अपने को ध्यान रखना है कितने एलिमेंट है, ठीक है, कितने एलिमेंट है और कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तो अरिस्टोटल मॉडल में तीन एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है लिगेंस मॉडल, ये लिगेंस और जो रोजर सुमेकर मॉडल है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंस मॉडल में पूछ लेता है कितने एलिमेंट होते हैं, तो छह एलिमेंट है इसमें, सीएमसी टीएआर, सीएमसी टार। तो सी का मतलब कम्युनिकेटर हो गया, एम का मतलब मैसेज हो गया, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जो छह एलिमेंट है वो किसने दिए थे, लिगेंस मॉडल में, जो रोजर सुमेकर है उसमें किसने दिए थे, पांच एलिमेंट। ठीक है, पांच एलिमेंट के से उसने कम्युनिकेशन प्रोसेस किया था, SMCRE। ठीक है, तो सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड इफेक्ट। क्वेश्चन आ जाए जैसे इफेक्ट एलिमेंट है जो कौन से मॉडल में है, ठीक है, तो रोजर और सुमेकर मॉडल में इफेक्ट आता है। और जो लिगेंस मॉडल है उसमें कितने एलिमेंट है, छह एलिमेंट है। और जो रेस्पॉन्स है, लास्ट का जो एलिमेंट है लिगेंस मॉडल में क्या है, रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर ये रेस्पॉन्स वापस जो फीडबैक देते हैं वो किसको देगा, कम्युनिकेटर को देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, तो जो मॉडल में जो मेन मेन चीज थी जो तीन है, जो फर्स्ट जो मॉडल दिया था वो अरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, तो अरिस्टोटल में तीन एलिमेंट थे, लिगेंस मॉडल वाले में छह थे, रोजर सुमेकर में पांच थे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन जो एक्सटेंशन है उसके वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल वाली जो बातें हैं वो जो समझाने वाली वो तो कुछ है नहीं, बाकी वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम भी कम रह गया है, इस हिसाब से तो थोड़ा अपने को जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।